नमस्कार, मैं तनु शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों को प्रांत है, इसे देवभूमि भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में आर्वियों का प्रभाव ऋषिक वेद से भी पुराना है। सन 1897 तक यह महाराजा रंजीत सिंह के शासन के अधिक पंजाब राज्य का हिस्सा था। सन 1950 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 25 जनवरी 1971 को यह भारत का 18वां राज्य बना। आज ही के दिन 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इस चुनाव आयोग का गठन किया गया। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। 25 जनवरी को देश के मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चुनाव आयोग के प्रमुख कामों में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह देना, उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच करना और उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की जांच करना शामिल है। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने में देश की जनता को पर्यटन का महत्व समझाने के उद्देश्य से ही यह दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। आज के दिन सन 2011 में पंडित भीमसेन जोशी का निधन हुआ। 4 फरवरी 1922 को जन्मे पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक थे। उन्हें ख्याल गायन के साथ साथ ठुमरी और भजन में भी महारत हासिल थी। इन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न समेत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। आज ही के दिन सन 2001 में भारत की सुप्रसिद्ध राजनेता विजयराजे सिंधिया का भी निधन हुआ। इन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में जाना जाता था। विजयराजे सिंधिया के पति जिवाजीराव सिंधिया ग्वालियर के महाराजा थे। लोगों के दिलों पर राज करने वाली विजयराजे सिंधिया 4 बार लगातार सांसद रही। कांग्रेस के दिवंगत नेता माधवराव सिंधिया इनके पुत्र थे और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया इनकी पुत्री है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी द्वारा। 25 जनवरी दिन शुक्रवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है सुख ऐश्वर्य। मेष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 34%। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सफेद, नीला तथा निषेध रंग लाल सिंदूरी। वृष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 79%। कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम से समस्याओं को नियंत्रण कर लेने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग गुलाबी व बसंती। मिथुन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 71%। कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला व काला। कर्क, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 77%। अधिक व्यय के कारण मन खिन्न रहने के योग हैं। शुभ रंग हर प्रकार के सफेद तथा निषेध रंग काला स्लेटी। सिंह, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 48%। किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78%। भाग्य में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला व लाल। तुला, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78%। कार्य क्षेत्र में अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग पीला व लाल। वृश्चिक, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 49%। जीवन साथी से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग मस्टर्ड काला। मकर, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल व पीला। कुंभ, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल पीला। मीन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%। पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग पीला। सभी के लिए दिन का
नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी को 0121266888 या 0983700646 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे अधिक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें IMT मीडिया।